अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमजा मुमताज फ्रॉम हाफिज़ सज्जाद मोटर्स। आज आपके लिए लेके आए हैं जैगुआर आई पेस ईवी 400। जैगुआर की तो पहली इलेक्ट्रिक कार है ही है, और उसी के साथ साथ ये पाकिस्तान में भी जैगुआर की पहली कार है। आई पेस ईवी 400 है, इसकी 90 किलोवाट की बैटरी है और 470 किलोमीटर इसकी रेंज है इस गाड़ी की। फ्रंट लुक की बात की जाए, जैगुआर का लोगो है, उसी के साथ मेस्ट ग्रिल है, नीचे कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कर्व ग्रिल का मकसद है कि इसको एरोडायनामिक शेप बनाया जाए ताकि एयर रेजिस्टेंस जितनी कम हो सके गाड़ी, क्योंकि स्पोर्ट्स लुक है इसलिए। लाइट्स की बात करें तो जेब लेट लाइट्स है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं जैगुआर की अपनी टेक्नोलॉजी है, जैगुआर LED टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रंट पे हमें 6 पार्किंग सेशन देखने को मिलते हैं। साइड लुक की बात की जाए तो अलॉयज़ आप देख सकते हैं, वॉइस स्पोक अलॉयज़ हैं, 20 इंच के इसके अलॉयज़ होते हैं और ये भी एरोडायनामिक बनाए गए हैं। फेंडर के ऊपर हमें इसकी चार्जिंग पॉट मिलती है, राइट साइड के फेंडर पे हमें इसकी डोमेस्टिक चार्जिंग पॉट मिलती है और लेफ्ट साइड के फेंडर पे हमें इसकी कमर्शियल चार्जिंग पॉट मिलती है। गाड़ी के साइड लुक की बात की जाए तो फ्रंट से आपको एक कार की लुक मिल रही होगी, और बैक की बात की जाए तो वहाँ से आपको एक SUV की लुक प्रोवाइड होती है। यहाँ पर हमें HSE की बैजिंग मिलती है, हेल्दी सेफ्टी इन्वायरमेंट की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर जैगुआर का लोगो है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो उसके अंदर हमें LED माउंटेड मिलती है इंडिकेटर, उसी के नीचे 360 व्यू कैम मिलते हैं देखने को। पॉप अप डोर हैंडल्स हैं इसके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें पॉप अप डोर हैंडल्स हैं इसके, इसको एंटी थेफ्ट डोर हैंडल भी कह सकते हैं आप। गाड़ी कलर की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर नहीं है, मिड नाइट ब्लू कलर है, जो कि दिन के टाइम थोड़ी ब्लू की शेड देता है और नाइट के टाइम फुली ब्लैक। बैक साइड की बात की जाए, मैट्रिक्स LED लाइट्स हैं इसकी बैक साइड की। EV 400 ऑल व्हील ड्राइव है, तो उसकी बैजिंग मिलती है, जैगुआर की बैजिंग मिलती है, उसी के साथ साथ IPS की बैजिंग मिलती है। डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है इसका, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पोर्ट्स लुक में प्रोवाइड किया गया है, और पीछे भी इसके 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ऑटो ट्रंक है इस गाड़ी के अंदर, फुली ऑटोमेटेड कार है ये, एक फ्यूचरिस्टिक कार है, बिकॉज आपको पता है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कार्स का दौर है। ट्रंक स्पेस देख सकते हैं आप, बहुत इनफ है। यहाँ पर हमें चार्जिंग इसकी स्पेस मिलती है चार्जर रखने की। अब इंटीरियर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी इलेक्ट्रिक कार्स में नहीं है। इबोनी का इंटीरियर इसके अंदर, जो कि आया है आज तक सिर्फ पोर्श के अंदर, लैम्बोर्गिनी के अंदर या बुगाटी के अंदर, और स्पेशल लेदर यूज़ करते हैं वो इसका इंटीरियर है। उसके बाद इसके अंदर एयर सस्पेंशन आती है, इलेक्ट्रिक कार के अंदर इलेक्ट्रिक एयर सस्पेंशन नहीं देखी आज तक, लेकिन आपको दिखाते हैं वो भी। इंटीरियर की बात करें, स्टीयरिंग की बात करते हैं सबसे पहले, तो जैगुआर का लोगो ऊपर देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बटन्स नहीं, ये लाइट्स हैं, एक्चुअली पियानो ब्लैक के ऊपर ये लाइट्स यूज़ की गई हैं। ये जो है यहाँ पे अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, उसी के साथ मल्टीमीडिया की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे हमें मल्टीमीडिया डुअल इसमें आता है, नीचे आप सीट को मैनेज कर सकते हैं और साथ उसके मल्टीमीडिया को मैनेज कर सकते हैं। ऊपर से गाड़ी के कंट्रोल सारे मिलते हैं आपको, इको डाटा मिलता है, कैमरास की ऑप्शन मिलती है, और कैमरास की भी क्वालिटी HD क्वालिटी है, 4K क्वालिटी आप कह सकते हैं इसको, बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी। और उसके अंदर जूम इन जूम आउट के ऑप्शन भी है, ये देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। फीचर्स ज़्यादा हैं, टाइम कम है। वॉलेट मोड है जिसके ज़रिए आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। इसका जो फ्रंक होगा और इसका जो ग्लव बॉक्स होगा वो लॉक हो जाएगा, जब तक आप पिन इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको ऑन नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। स्मार्ट सेटिंग है इसके अंदर, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक यूज़र आकर अपनी प्रोफाइल सेट कर सकता है। यहाँ पे हमें इसका ग्लासेस बॉक्स मिलता है, ग्लासेस रख सकते हैं। यहाँ पे हमें कैनवुड के जेन्युइन कैम मिलते हैं, फ्रंट एंड बैक कैम मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर वैसे तो कैमरास माउंटेड है 360, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कैम है फॉर योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे हमें इसका फ्रंट को लगे रडार मिलता है। 3-टोन इसका इंटीरियर है, मैट ब्लैक है, फिनिश पियानो ब्लैक है और सिल्वर की कॉम्बिनेशन है। मेरिडियन के इसके अंदर साउंड सिस्टम आते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम है। इस कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं ड्राइविंग मोड्स हैं, ड्राइविंग, न्यूट्रल, रिवर्स एंड पार्किंग। यहाँ पे हमें स्पीड लिमिट का ऑप्शन मिल जाती है, उसी के नीचे हमें इसके जो मोड्स हैं गाड़ी के अंदर, 4 मोड्स आते हैं, रेन मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है, इको मोड आता है और स्टैंडर्ड मोड आता है, ये चारों में ऑप्शन मिल जाती है। उसी के नीचे यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, और नीचे हमें इसके जो मेन एक इसका बड़ा फीचर है वो है एयर सस्पेंशन का, यहाँ से ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर। ये था जी गाड़ी का प्रॉपर इंटरव्यू, ये था जी गाड़ी का प्रॉपर एक रिव्यू। और इसकी सीट्स की बात करें, ये बोनी का इंटीरियर बताया था मैंने, तो लेदर आप देख सकते हैं बहुत फाइन लुक के अंदर है, और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रही होगी, वेंटिलेटेड हीटेड एंड कूल सीट्स हैं इसकी। ऑप्शन इसको एडजस्ट करने की सारी यहाँ पर मिलती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है,
अगर आप ये गाड़ी को लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो हाफिज़ सज्जाद मोटर्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है, जो कि मौजूद है मौलाना शौकत अली रोड फैसल टाउन में, अपोजिट जोर शादियाल के। अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ़ द बेस्ट ब्रांड ऑफ कार्स जो इंपोर्ट करता है आपके लिए नई से नई गाड़ी, और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम ताकि लोगों के पास सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑप्शन ना रहे बल्कि एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो, ताकि कोई भी उसमें चूज़ कर सके, ना कि सिर्फ एक ऑडी ई-ट्रॉन की तरफ रहें। जैगवार भी अब आ गई है और अब ये इंशाल्लाह मर्सिडीज़ भी आ रही है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 298 लाख है, और अगर इसके मुकाबले की बात की जाए ऑडी ई-ट्रॉन तो 5 to 6 crores की है, तो उसके मद्दे मुकाबले देखा जाए तो बहुत अच्छी और एक लग्जरी कार है। ये मैंने बताया था बाहर फर्स्ट में।